जिसका व्यापार खत्म हुआ, घर बैठ गए, यहाँ तक कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज देश में खुशी का माहौल है, हर आदमी खुश है कि झूठ का मुंह काला सच का बोलबाला। राहुल गांधी सच बोलते थे, देश की जनता को समझ में आ रहा है। 6 साल में देश बर्बाद कर दिया है, हर आदमी यही बात कर रहा है। बच्चे बच्चे किसान हर के मुंह पे है कि भारत बर्बाद हो गया है। ये लोग वो काम करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है देश को। भारत को आज भी वही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, जो 6 साल में भारत के लोगों को लाले पड़ गए हैं कि रोटी कैसे खाएं, कपड़े कैसे पहने, मकान की तो बात ही दूर की है। तो कहने का मतलब ये है, देश की जनता ने झूठ को नकार दिया है। ये लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त करेंगे, आज वही भारत की जनता बीजेपी मुक्त करने में लगी हुई है। अब इनको सोचना चाहिए और इनको शर्माना चाहिए। झारखंड के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि हम कपड़ों से पहचान लेंगे कौन जिहादी है, कौन आतंकवादी है। तो कहीं ना कहीं जो झारखंड का जो चुनाव है उसमें लोगों ने नागरिकता कानून और NRC पर जो है नकार दिया है।